चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारा डिमांड इस वीडियो को लेकर आ चुका था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है ओप्पो F27 Pro Plus। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइप बटोर रहा है, उसका कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो V30 के साथ। प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ओप्पो ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मिड रेंज सेगमेंट में एक फ़ोन को रिप्रेजेंट कराया जो काफ़ी ज़्यादा हाइप बटोर चुका है। यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी वगैरह की बहुत सारी बात की गई है, तो क्या क्या चीज़ें हैं अंदर हम चेक करेंगे दोनों फोन्स को और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज यहाँ पर F27 Pro Plus एक तरफ है और वीवो का V30 है, दोनों लेटेस्ट फोन है। चलिए जानते हैं क्या बेहतर प्राइस पॉइंट पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर दोनों फोन के डिज़ाइन और लुक्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट के फोन ये दोनों लगते हैं। यहाँ पर अगर देखें आप तो V30 ने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया, पीछे देखें मैट फिनिश के साथ ही कलर देखने को मिल जाएगा, ग्लास बॉडी बैक दिया है यहाँ पर। और उसके साथ अगर देखें F27 Pro Plus तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। सर्कुलर शेप में एक बड़ा सा कैमरा पैटर्न आपको यहाँ पर दिया है, लेकिन लेंसेज ओनली दो यहाँ पर यूज करें। पीछे आपको देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे वीगन लेदर इस्तेमाल करा है, लेदर पैटर्न पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फोन का वेट ऑब्वियसली काफी ज्यादा लाइट वेट है, यहाँ पर 177 ग्राम का ये फोन और थिकनेस के मामले में 7.9 mm की थिकनेस आपको इस फोन की देखने को मिल जाएगी। नो डाउट यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल से फोन यहाँ पर बनाया गया है, बिकॉज यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बहुत सारे इस पर किए गए हैं, तो ये यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट माना जा रहा है। बाकी अगर V30 की बात की जाए तो ये ग्लास बैक के साथ आता है, एक स्मार्ट ओरा लाइट के साथ साथ यहाँ पर आपको LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर देखा जाए तो आपको दो लेंसेज मिलते हैं जिसमें रिप्रेजेंट कराए OIS को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ अगर देखें फोन का वेट यहाँ पर, तो इस फोन का वेट आपको देखने को मिल जाएगा 186 ग्राम का और 7.5 mm की थिकनेस आपको देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट डिजाइन ऑब्वियसली काफी अच्छे आपको दोनों फोन के देखने को मिल जाते हैं। दोनों के फ्रंट साइड डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो आप देखते हैं साइज के मामले में यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा साइज आपको 6.78 inches के साथ यहाँ पर वीवो V30 में देखने को मिल जाएगा और 6.7 inches का डिस्प्ले आपको ऑब्वियसली यहाँ पर F27 Pro Plus का देखने को मिल जाता है। 3D कर्व डिस्प्ले आपको दोनों फोन में दिए हैं, AMOLED पैनल दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट ऑब्वियसली यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग से 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दोनों फोन में काम करता है। इसको आप अंदर से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, स्मार्ट स्विच का ऑप्शन दोनों फोन में मिल जाएगा यहाँ पर रिफ्रेश को चेंज करने के लिए। बाकी अगर पिक ब्राइटनेस की बात की जाए तो ओवरऑल यहाँ पर V30 यहाँ पर थोड़ा सा चांस प्लस में लेकर जाता है इसके अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पर 1300 nits का पिक ब्राइटनेस मिलता है जो कि काफी ज्यादा ब्राइट कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करता है आउटडोर में अपने फोन के लिए। बाकी अगर आप देखा जाए तो 950 nits का पिक ब्राइटनेस आपको F27 Pro Plus में देखने को मिल जाएगा। HDR20+ का सर्टिफिकेशन दोनों में है, कलर्स वगैरह आपको काफी बेहतरीन से मिल जाएंगे। और ओवरऑल यहाँ अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर आपके F27 Pro Plus में, तो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बेस्ट निकल कर आती है। स्कॉट एक्सटेंशन अप का सपोर्ट आपको वीवो के फोन में दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखी जाए तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ऑब्वियसली ज्यादा यहाँ पर आपको F27 Pro Plus में किए गए। IP रेटिंग्स की बात की जाए तो दोनों के अंदर यहाँ पर देखें आप तो ओप्पो का फोन जो है इस बार वाटर प्रूफ यहाँ पर माना जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर इसमें IP69 की रेटिंग दी गई है जो कि ऑब्वियसली वाटर के लिए काफी बेहतरीन चीज है। अगर आप ड्रॉप टेस्ट भी करते हैं पानी के अंदर या फिर जमीन पर भी, तो ये आपको रिजल्ट काफी अच्छे दे देगा इस चीज के कि आपको यहाँ पर फोन खराब नहीं होता है। बाकी IP रेटिंग 54 के साथ आपको V30 भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोनों में अगर पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए तो 453 का पिक्सल डेंसिटी मिलता है V30 में। ओप्पो F27 Pro Plus के अंदर आपको यहाँ पर इसके अंदर 394 का PPI देखने को मिल जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर 93% के साथ आता है F27 Pro Plus में और 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहाँ पर वीवो के फोन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्राइटनेस ऑब्वियसली काफी ज्यादा अच्छी आपको वीवो के फोन मिलती है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी वगैरह फ्रंट डिस्प्ले की थोड़ी सी यहाँ पर बेटर हमें ओप्पो के फोन में दी जा रही है। लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों फोन में डिस्प्ले आपको काफी बेहतर से मिल जाते हैं और साइज के मामले में V30 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आता है। ओप्पो और वीवो दोनों ही यहाँ पर ब्रांड्स अपने कैमरा को लेकर काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो वीवो भी काफी इंटरेस्टिंग से चीज अपने फोन में क्रिएट करता रहता है कैमरे के मामले में। दो लेंसेज यहाँ पर यूज करें, OIS यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। प्राइमरी लेंस आपको मिल जाता है यहाँ पर 50 megapixel का जो सोनी IMX920 पर बेस्ड आता है, और वहीं 50 megapixel एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी यहाँ पर वीवो ने डालकर दिया है। स्मार्ट ओरा लाइट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, बड़ी सी लाइट दी है इस बार। वहीं अगर ओप्पो के फोन की बात की जाए तो यहाँ पर इसके अंदर 64 megapixel को हाईलाइट कर रहा है प्राइमरी लेंस के लिए, और एक यहाँ पर 2 megapixel का आपको पोर्ट्रेट के लिए देखने को मिल जाएगा एक लेंस सेकेंडरी लेंस। बाकी LED फ्लैश आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाने वाली है। दोनों फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप यहाँ पर 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं वीवो V30 में। बाकी आपको यहाँ पर ओप्पो के फोन में 4K 30fps का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी 1080 60fps वाला स्विच कर सकते हैं। अल्ट्रा स्टडी मोड वगैरह भी आपको ओप्पो में दिख रहा है, सिमिलर वीवो के फोन में अल्ट्रा स्टडी मोड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर जूम का सपोर्ट आपको यहाँ पर जो है इस फोन के अंदर 4K 30fps में दोनों पर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है इस फोन के अंदर 2x के साथ साथ अगर देखें आप तो यहाँ पर 10x का सपोर्ट वीडियो का जूम क्वालिटी में देखने को मिल जाता है, और वीवो के अंदर भी यहाँ पर 10x का वीडियो का जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। माइक्रो मूवी के नाम से एक स्पेशल फीचर आपको यहाँ पर वीवो का फोन में दिया है जो कि यहाँ पर ऐसा मिनी व्लॉग वगैरह डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप इसके अंदर। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट जो है ओप्पो के फोन में 2x का ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर वीडियो वगैरह के मामले में ऐसा नाइट मोड वगैरह जो है स्पेशल आपको दिए जा रहे हैं, ड्यूल वीडियो मोड का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल यहाँ पर अगर हम वीवो के फोन की बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ
पर पेनोरेमा प्लस यहाँ पर सुपर मून का ऑप्शन यहाँ पर इस फोन में दिया है। लाइक आप चांद की फोटो करीब से जाकर यहाँ पर 10x जूम का सपोर्ट के साथ यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं। फ्रंट साइड के सेल्फी कैमरा की बात करें तो आप यहाँ पर देखते हैं 1080p का हाई रेजोल्यूशन सेटिंग आपको ओप्पो के फोन मिलता है। अल्ट्रा स्टीरियो मोड आपको फ्रंट साइड पर भी देखने को मिल जाएगा। कुछ स्पेशल मोड वगैरह आपको ज्यादा यहाँ पर फ्रंट साइड पर नहीं देखने को मिलते हैं। पोर्ट्रेट्स वगैरह आप यहाँ पर फ्रंट से भी निकाल सकते हैं। प्लस फोटो के अंदर यहाँ पर प्लेन कैमरा देखने को मिलता है। वहीं अगर वीवो के फोन की मैं बात करूँ तो इस फोन में अगर आपको यहाँ पर वीडियो के मामले में 4K का सपोर्ट आपको फ्रंट साइड भी देखने को मिल जाएगा। ये काफी अच्छी चीज है। 4K 30fps तक आप इसको फ्रंट से भी शूट कर सकते हैं, व्लॉग वगैरह ज्यादा क्रिएट इससे बेहतर कर पाएंगे। प्लस यहां पर अल्ट्रा वाइड वीडियो का एज अ मिनिमल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लाइक थोड़ा सा यहां पर जूम का सपोर्ट मिलता है। अल्ट्रा वाइड फोटोज वगैरह आप इससे क्लियर कर सकते हैं। बाकी रियर साइड पे भी आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन वीवो के फोन मिलता है। आपको सिंपल प्लेन मोड यहां पर जो है मेन कैमरा वाइड कैमरा वो आपको यहां पर जो है ओप्पो के फोन मिलता है। फील्ड ऑफ व्यू 112 डिग्री तक वीवो का जाता है। यह आपका एज 80 डिग्री तक आपको फोटो कैप्चर करके देने वाला है। दोनों फोन के अंदर साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो यहां पर दोनों डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट किसी भी फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ओप्पो ने यहां पर जो है 300% का ऑडियो बूस्टर मोड लगाकर दिया है। एज अ आपकी लाउडनेस तो ज्यादा हो जाएगी बट एज अ ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट तो यहां पर देखने को आपको दोनों फोन में नहीं मिलता है। और यहीं अगर देखा जाए वीवो के फोन के अंदर तो यहां पर 150% तक का लाउडनेस का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। तो साउंड के मामले में लाउडनेस तो है बट यहां पर एज अ सराउंडिंग क्वालिटी जो बनती है ड्यूल स्पीकर में वो आपको दोनों फोन में देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस के लेवल अगर चेक किया जाए तो आप यहां पर देखते हैं दोनों में ओएस यूआई सिस्टम अलग अलग मिलता है। एक तरफ फंटच ओएस का सपोर्ट मिलता है, एक तरफ कलर ओएस 14.0 पर आता है। दोनों अपडेट्स हैं। एंड्रॉइड वर्जन 14 का सपोर्ट आपको दोनों फोन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर यहां पर बात की जाए तो एक तरफ स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का सपोर्ट मिलता है वीवो के फोन में, वहीं मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का सपोर्ट आपको ओप्पो के फोन में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल थोड़ा परफॉर्मेंस के मामले में वीवो ज्यादा बेहतर यहां पर आपके सामने निकल कर आता है। उसी के साथ रैम टाइप की अगर बात करें तो LPDDR4 का सपोर्ट आपको मिलता है यहां पर F27 Pro Plus में। और उसी के साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको LPDDR5X का सपोर्ट मिल जाएगा वीवो के फोन में। और यूएफएस स्टोरेज 3.1 पर बेस्ड दोनों फोन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। रैम एक्सपेंशन की बात करें तो आप दोनों फोन में यहाँ पर जो है रैम एक्सपेंशन कर सकते हैं। 8GB तक का एक्सपेंशन आप ओप्पो और वीवो दोनों फोन में यहाँ पर कर पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इंटरफेस जो है क्लियर वो यहाँ पर को दोनों फोन के अंदर ज़्यादा ही कचरा भरा मिल जाएगा एप्लीकेशन का। बट ओवरऑल आप इसको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों फोन के वाईफाई सपोर्ट की बात करें तो वाईफाई 6 का सपोर्ट आपको दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ओप्पो के फोन में 5.3 पर बेस्ड आता है और वीवो के फोन में यहां पर आपको जो है 5.3 का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सपोर्ट इस फोन में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर दोनों ही फोन की बात की जाए तो यहां पर दोनों फोन जो है 5G पर बेस्ड आते हैं। एक दोनों फोन में काफी अच्छे बैंड्स यूज करें तो कनेक्टिविटी में आपको किसी की तरह प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो और उसके साथ प्राइवेसी प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली दोनों फोन में देखने को मिल जाएगा बिकॉज एमोलेड पैनल है और फेस अनलॉक आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा में यहां पर दिया है। फोन ऑब्वियसली काफी ज्यादा खूबसूरत और पतले यहां पर डिजाइन किए हैं तो बैटरी ओवरऑल यहां पर ऑब्वियसली आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा तो काफी अच्छा वर्क कर रहा है। ओप्पो के फोन में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी जिसमें आपको 67W का चार्जर मिल जाएगा, फास्ट चार्जर जो कि बॉक्स में अवेलेबल है टाइप सी पोर्ट के साथ। उसी के साथ अगर वीवो के फोन की बात की जाए तो इस वीवो के फोन में यहां पर आपको जो है 5000mAh की बैटरी मिलती है लेकिन चार्जर कैपेसिटी काफी बड़ी मिल जाएगी। 80W का चार्जर बॉक्स में मिलता है आपको और साथ में इसमें टाइप सी पोर्ट भी दिया है तो ऑब्वियसली दोनों ही फोन यहां पर टाइप सी के साथ चार्ज हो जाएंगे। हाईलाइटेड फीचर्स की अगर बात करें तो हाईलाइट यहां पर अगर देखें तो नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। प्लस प्रोफेशनल फोटोग्राफी का हाईलाइट फीचर आपको जो है वीवो के फोन में दिया है। तो ये कुछ चीजें खासकर इन दोनों फोन के रिगार्डिंग थी। अगर देखा जाए प्राइस पॉइंट के बारे में तो 8GB 128GB वाला वेरिएंट अगर आप फोन को यहां पर ओप्पो के फोन की तरफ जाते हैं बिल्कुल लेटेस्ट फोन है 28,000 की कीमत में ये इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर वीवो के फोन की बात की जाए तो इस फोन की कीमत आपको यहां पर जो है 33,000 रुपये पे करना पड़ेगी। 5,000 का प्राइस डिफरेंट निकलकर दोनों फोन के बीच में आता है बट कुछ कुछ स्पेशलिटी ऑब्वियसली वीवो के अंदर ज्यादा बेस्ट है और यहां पर काफी अच्छी चीज इस बार हमें देखे ड्यूरेबिलिटी के मामले में यहां पर ओप्पो ने काफी अच्छा वर्क करा। अगर फोन आप ज्यादा हैवी यूजेस वाले या फोन आपको गिरता गुड़ता ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसमें काफी अच्छी चीजें हमें यहाँ पर कम प्राइस पॉइंट पर दी जा रही है। आप कौन से ब्रांड के ज्यादा प्रेफर करते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा उसकी फैमिली के साथ।